से ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है तो, लेकिन हम क्यों और बैद में वो उस, क्योंकि उन्होंने इसमें एक वर्ड यूज किया है, जहाज है जो आप मेरे पीछे मेरे भाई देख रहे हैं। हम सब ने क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम दिया था जो पिछले साल एडवर्टाइजमेंट आई थी उसी के अंडर। तो क्वालिफिकेशन उस वक्त थी SRO 99 के अंडर, मिनिमम 10th तो मैक्सिमम 12th। तो हम सब ने उसी के अंडर फॉर्म भर के, तो उस फॉर्म भर के हमने एग्जामिनेशन दी। तो उसी वक्त ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था कि मैक्सिमम के मैक्सिमम का मतलब है क्या। तो सारे लड़कों ने GAD को अप्रोच किया, GAD ने एक रिप्लाई में हमें कहा कि मिनिमम 10th मैक्सिमम 12th है, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन लड़के आल्सो अप्लाई कर सकते हैं। जब वो कहते हैं कि हायर क्वालिफिकेशन लड़के वाले जो लड़के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, दैट क्लियरली मीन्स कि जिनके पास ग्रेजुएशन है, हायर क्वालिफिकेशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑन 10+2 बेसिस। हमने फॉर्म भरा है ऑन 10+2 बेसिस। अभी एग्जाम होने के बाद हमारा लिस्ट शॉर्ट लिस्ट में आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जब परसों आया तो SSB हमें उसमें बोल रहा है कि आप एक अंडरटेकिंग दीजिए। अंडरटेकिंग में हमें वो बोल रहा है कि आप लिखिए दीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 से ऊपर नहीं है। अगर फ्यूचर में हमने बाय एनी मीन्स ऑफ सोर्स हमने ये पाया कि कहीं से आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 से ज़्यादा है, वी विल आउट यू विदाउट गिविंग यू एनी नोटिस। ठीक है, वी आर डिग्री होल्डर्स, लेकिन हमने फॉर्म भरा है ऑन 10+2 बेसिस। ये देखिए 2008 में जो SRO आया इस क्लास फोर्थ के लिए, तब से अपॉइंटमेंट होती रही है, हायर क्वालिफाइड यूथ भी क्लास फोर्थ के लिए अप्लाई होते गए, सिलेक्ट हुए, लेकिन ऑन 10+2 बेसिस। वही हम भी चाह रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि हमें 10+2 पे ये जॉब दीजिए। देखिए उन्होंने अभी डेट्स नहीं निकाली, लेकिन हमें इस हफ्ते अगर डेट्स आएंगी तो हमें वो एफिडेविट देना है। अगर GAD हम लोग ने SSB से अप्रोच किया, SSB बोल रहा है आप GAD से बोलिए, GAD ने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है, हमने GAD को भी अप्रोच किया है, वो पहले क्लैरिफाई करने के बाद अब वो ऐसे वैसे कर रहे हैं कि जी वो करेंगे ये करेंगे। अभी करियरली हमें इस बात पे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। हमारी डिमांड है कि ये जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफिडेविट है, ऑलरेडी लॉ डिपार्टमेंट ने 2013 में इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। CAPD को एक लेटर आई थी जिसमें ऑलरेडी 2013 में इस चीज़ को इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है कि क्वालिफिकेशन को आप बार नहीं कर सकते। मैं ग्रेजुएट हूँ, इफ़ आई एम रेडी टू डू अ क्लास फॉर द जॉब ऑन 10+2 बेसिस, मुझे क्यों रोका जा रहा है? मैं नहीं मांग रहा हूँ मुझे ग्रेजुएशन में जॉब दीजिए, मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, 5.5 लाख लड़कों में हम लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो हमें क्यों, किस बात पे रोका जा रहा है? LG साहब से मेरी मधुबाना गुजारिश है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, और जो यहाँ के खासकर अभी जो रूलिंग पार्टी है BJP, उनसे हमारी गुजारिश है कि इस मामले में जल्द से जल्द इंटरफेयर करें ताकि हमें कम से कम हमारा लीगल राइट तो मिले।